ओके सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय टू चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जब भी हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। आखिर क्यों हम लोग तत्काल टिकट बुक करते समय क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों यदि आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं और तत्काल टिकट बुक करते समय यदि आपका भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। सर्च करने के बाद IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को सबसे पहले आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है, क्योंकि कई केस में ऐसा होता है हम लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी तत्काल टिकट बुक करते समय IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आप लोगों को फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद ऐप एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके अपने मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्लियर कैच, सिंपल आपको क्लियर कैच पे क्लिक करना है, को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को क्लियर कैच ले कर लेना है सेकेंड नंबर में। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लॉगिन करना है। आपको लॉगिन किस टाइम करना है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे 3-4 मिनट पहले लॉगिन कर लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है किस टाइम, जब आप AC या AC टिकट या फिर स्लीपर टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपको 30-40 सेकेंड पहले आपको लॉगिन करना है। यदि मान लीजिए आपको स्लीपर टिकट बुक करना है तो 10:59-10:20 सेकेंड पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड इसके बाद कैप्चर फिल कर लेना है, तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:59-10:15 सेकेंड हो चुका है। इसके बाद हम सिंपल लॉगिन पे क्लिक करते हैं और फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया हूँ। तो हम तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और देखेंगे हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है जो लॉगिन होता है या लॉग ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है या फिर नहीं होता है। सिंपल आपको प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है और जहाँ से जहाँ जाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आनंद विहार से आरा के लिए एक तत्काल टिकट बुक करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद जेंद्र कोटा पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम तत्काल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे 28 अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं 10 सेकेंड पहले या फिर 10 सेकेंड बाद हम यहाँ सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं जिसकी वजह से भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 11:00 बज चुका है, तो 11:03-4 सेकेंड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 4-5 सेकेंड जैसे ही होगा तो आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन सर्च हो रहा है और फाइनली आपको देख सकते हैं जो भी ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है तो सिंपल आपको ट्रेन पे एक सेलेक्ट करना है, तो सिंपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं वहाँ पे हमें बाबा धाम स्पेशल में टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 168 सीट अवेलेबल है। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को करना क्या, जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल फिल करके रख लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने फिल करके रख लिया, इसके बाद सेलेक्ट कर लिया हूं। इसके बाद यहां पे आपको बुक टिकट ओनली कंफर्म व्हाट अलाउड कर देना है। इसके बाद जहां जाना है वहां पे आपको यहां पे एड्रेस फिल कर लेना है, सॉरी यहां पे हमें बिहार फिल करना है तो मैं बिहार फिल कर लेता हूं। इसके बाद सिंपल आपको एरिया पिन कोड डालना है तो पिन कोड भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे
नोट है, इंश्योरेंस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको रिव्यू जोनी डिटेल पे किस समय क्लिक करना है। जैसे ही 11:04 से 5 सेकेंड होंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आप जल्दी करते हैं तो आपको यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखते हैं फाइनल पेमेंट पे पहुँच पाता हूँ या फिर नहीं पहुँच पाता हूँ, या फिर पहले ही हमारा IRCTC पेज लॉग आउट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम एंड कैप्चर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसके बाद पोस्टे टू पे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम नेक्स्ट पेज पे यानी कि पेमेंट पेज पे आ चुका है। इसके बाद जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं जो पेमेंट यूज करता हूँ पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएंगे, OTP हमें सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है, इसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा तत्काल टिकट बुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे मैसेज भी आ चुका है। सिंपल मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे आपको पेस्ट कर दूंगा और यहां पे सबमिट करूंगा। तो इस तरह से आप लोग तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोग का IRCTC पेज जो है लॉग आउट नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।